गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट दी ओपनिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होगा भारतीय अर्थव्यवस्था, और इसमें भी गरीबी, गिनी गुणांक और लोरेंज हम वक्र के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम पढ़ाई करेंगे कि गरीबी कितने प्रकार की होती है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, गरीबी रेखा किसको कहा जाता है, कैसे उसका मापदंड निर्धारित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं गरीबी की रेखा। देखना, गरीबी पुअर्टी, इससे पहले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी गरीबी के बारे में। तो पुअर्टी किसे कहा जाएगा? पुअर्टी होगा कि एक आर्थिक और सामाजिक ऐसा वंचन की स्थिति होगी जिसमें किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र या फिर आवास या शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर ये मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं करता वो निर्धन या गरीब कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा कि गरीबी की परिभाषा क्या होगी, कि ऐसी आर्थिक और सामाजिक वंचन की स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति विशेष अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। आवश्यकताएं क्या क्या होंगी? भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर इन पर आने वाला खर्च हमारी पहुंच में नहीं है तो वो गरीब कहलाएंगे। गरीबी के प्रकार हो जाएंगे फिर, गरीबी दो प्रकार की, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक आ जाएगा इसमें रिलेवेंट। तो गरीबी की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिसमें आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक या मूलभूत वस्तु, मूलभूत वस्तुएं उसकी पहुंच में नहीं होंगी, जैसे भोजन, वस्त्र या फिर आवास। आवास ये तो क्या होंगे, तीन तो मूलभूत ये नीड्स रहेंगी हमारी। इसके अलावा क्या आ जाएगा? एक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य या फिर शिक्षा, और शिक्षा ये भी आ जाएंगे। ये किस में हम आवश्यक वस्तुओं में जोड़ेंगे, अगर हमारी अप्रोच में ये सब नहीं है तो निर्धन कहलाएंगे। इसकी फिर यूएनओ के द्वारा, आईएलओ के द्वारा या फिर अनेक अर्थशास्त्रियों के द्वारा अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहते हैं इसके बारे में कि गरीबी एक अक्षमताओं का अभाव है, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने चर्चा की थी। और वहीं यूएनओ की तरफ से, यूएनओ ने क्या डिफाइन किया कि गरीब वो लोग होंगे, यूएनओ वर्ल्ड नेशन और ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 1.9 अमेरिकी डॉलर यूएसडी से अगर पर डे की उसकी परचेजिंग पावर, यानी कि कोई आवश्यक वस्तु खरीद सकता है, अगर इससे कम की उसकी आय है वो व्यक्ति गरीब हो जाएगा। वैसे गरीबी का आंकलन प्रति माह की आय से निकलता है, आय में से हम परचेजिंग की वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं खरीदने के लिए जो सक्षम होते हैं, तो अगर वो भी हमारे पास नहीं हम गरीब हो जाएंगे। तब यूएनओ के अनुसार कितना? 1.9 डॉलर मिनिमम। और वैसे अगर देखते हैं कि आवश्यक वस्तुएं अगर हम ये उपभोग व्यय नहीं कर सकते, गरीब कहलाएंगे। गरीबी के फिर प्रकार होते हैं सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, लेकिन मेन आज की जो हमारी वीडियो होगी ये आएगा लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक। देखना, इसमें जो गरीबी के प्रकार बताए गए हैं, निरपेक्ष गरीबी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पुअर्टी क्या होगा? पुअर्टी या पुअर्टी निरपेक्ष, अगर किसी व्यक्ति के पास आवश्यक वस्तुएं नहीं हैं जो उसे डे टू डे के लिए चाहिए, नीड सबसे पहले किसकी होगी? रोटी, कपड़ा और मकान की। अगर भोजन भी नहीं है, उसके पास वस्त्र भी नहीं है, आवास भी नहीं है, वो गरीबी की श्रेणी में आएगा। लेकिन इसमें भी अगर देखते हैं, सबसे पहले अति आवश्यक भोजन होता है। भोजन में क्या चीज़? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होते हैं, अगर वो हमारे पास नहीं है तो गरीबी की श्रेणी में आएंगे। ऐसे गरीबी को क्या कहेंगे? निरपेक्ष गरीबी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी ज़्यादातर विकासशील देशों में होती है, विकासशील देश इनमें पाई जाती है। विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज, भारत भी एक विकासशील देश है, हम विकसित की श्रेणी में हो रहे हैं। तो तीन प्रकार से कैटेगराइज किया गया देशों को या उनके समूह को, विकसित देश, विकासशील देश और तीसरी दुनिया के अल्प विकसित देश या गरीब देश भी आ जाएंगे। विकसित देश क्या होते हैं? जिनमें HDI का मान उच्च होता है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बाद वाले चैप्टर उसी पर डिस्कस करेंगे। और जिनका मध्यम रहता है HDI का मान, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक का मान अगर 0.5 से और लगभग 0.8 के बीच रहता है, वो विकासशील हो जाएंगे। और अगर 0.5 या 4 से भी अगर कम है तो अल्प विकसित हो जाएंगे या गरीब देश हो जाएंगे। भारत एक विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज की श्रेणी में आता है। तो निरपेक्ष गरीबी किन देशों में पाई जाती है? विकासशील देशों में। हमारे यहाँ भी विकासशील देशों में क्या हो जाएगी? निरपेक्ष गरीबी।
क्या होगा इसमें, आवश्यक वस्तुएं हम परचेज नहीं कर पाएंगे, अपने उपभोग की जो आवश्यक है जिसमें भोजन आएगा सबसे पहले। सेकंड अगर देखते हैं सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष को रिलेटिव, ये इसको हटा दें या नोट करना है। अच्छा आशीष जी आया समझिए, ओके। सापेक्ष गरीबी क्या हो जाएगी, रिलेटिव पोवर्टी। इसमें एक कंपेयर की जाएगी, कंपेयर तुलनात्मक, तुलना के आधार पर, ये पूरा ग्राफ इसी पर बेस्ड है जो हम लोरेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तुलनात्मक क्या, अगर कहीं पर गरीबी है, समझो 5 परिवार गरीब हैं, उनमें गरीब में भी ये देखते हैं कि गरीबों का अंतर कितना है, एक के पास 20 रुपीज़ हैं, एक के पास 100 रुपीज़ हैं, डिफरेंस कितना है 80 रुपीज़ का। तो जो 80 रुपये की और गरीबी आई है इसको हम सापेक्ष गरीबी, जिसमें किसी देशों, दो देशों के बीच में भी हो सकती है, एक देश कितना गरीब है और दूसरा कितना गरीब है उसके मापदंड के अनुसार गरीबी का अंतर, डिफरेंस ऑफ द पोवर्टी इज कॉल्ड द रिलेटिव पोवर्टी, वो क्या हो जाएगी सापेक्ष गति। सापेक्ष का मतलब ही डिफरेंस होता है। क्वेश्चन है कि सापेक्ष गरीबी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तुलनात्मक गरीबी के नाम से जानते हैं। तो तुलना जब दो देशों की या दो राज्यों की या दो क्षेत्रों की जब हम तुलना करते हैं उससे जो गरीबी का डिफरेंस निकल कर आता है उसको हम सापेक्ष गरीबी कहते हैं, है ना समझ। तो गरीबी के कितने प्रकार होंगे, दो प्रकार, जिसमें मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, निरपेक्ष गरीबी, ये विकासशील देशों में होती है, और जिसमें हम अंतर निकालते हैं, दो देशों की गरीबी का अंतर या दो राज्यों की गरीबी का अंतर या दो क्षेत्रों की गरीबी का अंतर, दो व्यक्तियों की गरीबी का अंतर, किसी वर्ग आयु विशेष के गरीबी का अंतर को हम सापेक्ष गरीबी या फिर इसको तुलनात्मक गरीबी कहा जाएगा। और ये हम सापेक्ष गरीबी के आधार पर ही लोरेंज वक्र या ग्राफ तैयार करते हैं। तो क्वेश्चन है कि लोरेंज वक्र के जनक कौन थे, लोरेंज जी थे, उन्हीं के नाम पर ही है, मैक्स ओ लोरेंज नाम था। तो आया ना समझिए, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, या गरीबी के प्रकार हो जाएंगे। मेन चीज़ हमारी क्या थी, लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने इतना पढ़ाया था, तो आज हम ये देखते हैं क्या लोरेंज। एक अर्थशास्त्री थे मैक्स लोरेंज या मैक्स ओ लोरेंज, इन्होंने एक ग्राफ तैयार किया था। तो यहाँ पर ग्राफ पर एक्स एक्सिस पर अगर लेते हैं व्यक्ति वर्ग, कोई व्यक्ति है, इसका परसेंट में लेते हैं, प्रतिशत में 10% किसी क्षेत्र की हमने पॉपुलेशन को कंसीडर किया है, उसमें 10% लोग, 20%, 30%, 100% तक। और यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमने लिया है परसेंट में आय वर्ग की, उसकी आय कितनी है, 10% धन, 20% धन, उसकी आय 30%, 40%। तो यहाँ से निरपेक्ष एक समान रेखा मानी गई, इसको हटा देते हैं कुछ देर के लिए। निरपेक्ष ये ग्राफ कैसे तैयार किया गया है, तो 1905 में ये बनाया गया था, मैक्स लोरेंज ने 1905 में एक ग्राफ तैयार किया, 1905 में, हमारे यहाँ जब इतिहास में हम पढ़ते हैं ना तो बंगाल विभाजन वाला जो होता है 1905 वाला, उसमें उस टाइम की ये घटना थी। निरपेक्ष सापेक्ष रेखा माना गया इसको। अगर हम बात करते हैं ए से हम जाएंगे बी पर, ए से बी पर, ये क्या आ जाएगा, निरपेक्ष सापेक्ष, निरपेक्ष समान रेखा, एक समान रेखा बनेगी ये। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर 10% व्यक्ति हैं, ये क्या है अंक यहाँ पर 10%, और ये 10% इंटरसेक्ट करता है, यानी कि यहाँ तक अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये 10% लोगों के पास उस क्षेत्र का 10% आय है, यानी कि धन उनके पास 10% है। अगर हम 20% लोगों की बात करते हैं तो वहाँ का 20% धन 20% के ही लोगों के पास है, यानी कि बराबर इक्वल उसके पास आए हैं। अगर एक व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं, दूसरे के पास 100 रुपये हैं, दूसरे के पास अगर 200 हैं तो दूसरे के पास भी 200 रुपये हैं, आए ना समझ। तो इसमें क्या कि जो व्यक्ति वर्ग होगा, जितने परसेंट व्यक्ति हैं उतने ही परसेंट उसी के समान बराबर मात्रा में उनके पास आय या वेतन या धन इकट्ठा है। 10% लोगों के पास 10% आए, 20% व्यक्तियों के पास 20% आए, 30% व्यक्तियों के पास 30%, 40% के बराबर 40, 50 के बराबर 50। इसको अगर हम ऐसे देखते हैं तो निरपेक्ष समान रेखा होती है। अगर निरपेक्ष समान रेखा है तो उसमें कोई गरीबी नहीं है, यानी कि बराबर धन है सभी के पास। इसको अगर आधार मान लिया जाए तो लोरेंज जो अर्थशास्त्री हैं ये क्या कहते हैं लोरेंज कि अगर इनमें विषमताएँ हैं, यानी कि आय की विषमता, किसी खास वर्ग के पास कम धन है, किसी दूसरे वर्ग के पास अधिक धन है,
तो जो धन के अंतर का गैप जो आएगा आय का, उसको लोरेंज वक्र से समझाया गया है। जैसे इसमें 10% लोगों के पास समझो 1% ही धन है, 20% लोगों के पास में 5% धन है। तो अगर एक ग्राफ यहाँ पर बनाए और यहाँ पर ये ग्राफ फिर ऐसे बनता है, ये ऐसे इस टाइप से चलता है, ये ऐसे बन जाएगा। यानी कि नीचे हमने क्या लिया, व्यक्ति वर्ग 10% लोगों के पास, यहाँ पर अगर देखते हैं इंटरसेक्ट यहाँ पर होगा तो 5% ही, 5 से भी कम है, 10% लोगों के पास में 5% आए हैं, 20% लोगों के पास में लगभग 7% आए, 30% लोगों के पास में 10% आए, 30% लोगों के पास तो 10% धन है, इसका मतलब 70% के पास में फिर एक्स्ट्रा है और, ठीक है ना। तो यहाँ से जो अंतर आया ना, नीचे की ये क्या लाइन है, वक्र को समझाती है, यानी कि आ जाएगा यहाँ सापेक्ष गरीबी। हम अगर इस वर्क ये देखते हैं कर्व को, ये किसको इंडिकेट करेगा, सापेक्ष को। निरपेक्ष को तो हमने आधार माना है, इसमें तो बराबर आए हैं, यहाँ पर ये दर्शाया गया है। तो ग्राफ से क्या हमें इससे जानकारी मिलती है कि इसमें अब दो रेखाएं हो जाएंगी, एक तो निरपेक्ष आधार माना गया है, एक दूसरा है कि कितने व्यक्ति के पास कितना धन है। तो यहाँ से ये धन ये डिस्ट्रीब्यूट होता चला गया, इसको अगर मिलाएंगे तो एक वक्र बनेगा, एक वक्र जो बनता है ये लोरेंज ग्राफ कहलाता है, जो मैक्स लोरेंज ने तैयार किया था। यानी कि निरपेक्ष, समान रेखा और जो नई आय प्राप्ति की रेखा है, इनके बीच का अंतर कितना है, ये जो डिफरेंस आया ना यहाँ पर, इसे हम क्या कहेंगे, लोरेंज वक्र। ये लोरेंज वक्र आ जाएगा, लोरेंज वक्र। इसके बाद में एक और अर्थशास्त्री आते हैं इटली के, उनका नाम होता है गिनी, गिनी गुना गिनी कोफिशेंट, उसने कोफिशेंट तैयार किया गिनी ने, नाम कुछ रेंडर या कुछ ऐसा है, गिनी रखते हैं, गिनी। गिनी ने अपना कंसेप्ट कब दिया, सन 1912 में, ये इटली के एक अर्थशास्त्री थे, इटली। इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया कि गिनी गुणांक में जो ग्राफ है, अगर हम पूरे को एक आधार मान लें यहाँ से यहाँ तक, तो इनका जो अनुपात होगा, इसे x अगर माना जाए और इस पूरे को y, देखना जो ग्राफ दिया है, ग्राफ का हम एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल तो क्या आ जाएगा x, और पूरे का अगर क्षेत्रफल चूंकि समकोण बनता है यहाँ पर, ये क्या y आ जाएगा, या इसमें जो शेष बचा हुआ है, ठीक है ना, पूरा क्या बनेगा, समकोण बनेगा एक रेक्टेंगुलर। तो यहाँ हम अगर इनके बीच का अनुपात निकालते हैं, गिनी गुणांक, इसको हम कोफिशेंट कहेंगे, गुणांक, तो गुणांक में क्या निकलता है, लोरेंज के द्वारा खींचा गया वक्र अपॉन ये टोटल, लोरेंज भी और ये भी, पूरे ट्रायंगल का आ जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई का, ये क्या हो जाएगा x, और नीचे वाला क्या है y, अगर x प्लस वाई से हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये गिनी गुणांक निकलता है। गिनी गुणांक का अधिकतम मान 1 और ये 0 से 1 तक होता है, इसके गुणांक का मान 0, कम से कम 0 होगा, अधिक से अधिक 1 हो जाएगा, 1। जैसे SDI में निकालते हैं ना, वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स में, उसमें भी 1 तक ही होता है वो मान, ऐसे ही गिनी गुणांक भी इतना ही निकलता है। तो गिनी का क्या कहना है, जो इटली के अर्थशास्त्री थे, कि लोरेंज वक्र का जो हमने क्षेत्रफल निकाला है, इसमें क्या निकला, कम आय वाले और अधिक आय वालों का अंतर निकला है, एक तो ये, और पूरा यहाँ से क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से अगर भाग देते हैं, जो अनुपात आएगा, जो मान आएगा, वो गिनी गुणांक होता है। गिनी गुणांक में अगर इसका मान 0 आया है, इसका मान क्या आ जाएगा, मान बराबर 0, इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई गरीब अमीर नहीं होगा, बराबर मात्रा में धन डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेखा और ये रेखा बराबर आ जाएगी, है ना, जब इनके बीच का अंतर बिल्कुल मिनिमम होगा, कम से कम अंतर होगा, इसका मतलब बैलेंस की स्थिति वहाँ पर संतुलन में है सब कुछ। तो गिनी गुणांक का मान अगर 0 होता है, मतलब संतुलित, संतुलित, संतुलित का मतलब बराबर मात्रा में उनके पास आए हैं, बराबर आए, उनके पास बराबर आय होगी। और अगर इसका मान निकलता है 1, इसका मतलब क्या हुआ, x अपॉन x प्लस वाई का मान अगर 1 निकलता है, इसका मतलब है कि वहाँ पर आय की असमानता है, आय असमानता, आय असमानता हो जाएगी। तो इसका मान 0 से 1 तक होता है, तो कहाँ होना बेस्ट है, 0 लेवल पर, गिनी गुणांक का मान 0 होना चाहिए। तो अगर आए ना कि लोरेंज वक्र में और गिनी गुणांक में क्या अंतर है, लोरेंज वक्र का जो गणितीय रूप है, जो इसका अंकीय मान निकालता है, वो गिनी गुणांक से निकलता है, यानी कि दोनों साथ साथ पड़ जाएंगे।
लोरेंज ने तो क्या तैयार किया, ये ग्राफ तैयार किया। गेनी जो अर्थशास्त्री थे उसने एक कोफिशेंट निकाला, अनुपात निकाला। तो कम से कम मान कितना होता है? जीरो। अधिक से अधिक वन मान होता है गिनी गुना। और जीरो की जो स्थिति होगी वो एक सर्वमान्य स्थिति होती है इक्विलिब्रियम की। समझिए कि समानता है, सभी लोगों पर बराबर बराबर धन है। अगर 100 रुपये हैं 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे तो 10-10 रुपये दिए जाएंगे, 10 रुपीज़। इसका मतलब गिनी गुना का मान शून्य है। और किसी के पास 20 रुपीज़ आ जाएँ, किसी के पास 1 रुपी, किसी के पास 0.5, उसमें यानी कि ये 1.5 रुपया 2 रुपया अगर आए, इसका मतलब ऐसा मानता है, तब गिनी गुणांक का मान जीरो से अधिक बढ़ चुका। तो इसका अच्छा मान क्या माना जाता है? जीरो। और अगर वन मान आता है इसका मतलब धन की ऐसा मानता है वहाँ पर। तो गिनी गुणांक और लोरेंज वक्त। यस मैम, और कुछ क्वेश्चन के अलावा? ऋतिक, अच्छा कल इसमें बताया था ना, कल भी लोरेंज वक्र के बारे में, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे हम पूरा, क्योंकि वीडियो भी लगभग 40 मिनट की वो बनी थी, 35 मिनट की, उसमें टाइम का ध्यान रखना पड़ता है बहुत। इसमें क्वेश्चन क्या हुआ, गिनी गुणांक का संबंध किससे है? गरीबी के वक्र से। और लोरेंज वक्र का गणितीय रूप हम किससे प्राप्त करते हैं? गिनी गुणांक से प्राप्त करते हैं। गिनी किस देश के अर्थशास्त्री थे? इटली के। और वहीं अगर लोरेंज देखते हैं कि लोरेंज ने अपना ग्राफ ये कब प्रस्तुत किया था? 1905 में। गिनी गुणांक 1912 में। और गरीबी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? सापेक्ष और निरपेक्ष। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? जिसमें आवश्यक वस्तुएं उसकी अप्रोच में पहुँच में नहीं होंगी। आवश्यक वस्तु क्या होती हैं? सबसे पहले भोजन। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होते हैं। उसके लिए अलग अलग समिति भारत में काम करती हैं। एक तो आता है इसमें सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में आय ये ग्राम क्षेत्र में 816 रुपये होनी चाहिए, नगरीय क्षेत्र में 1000 रुपये होनी चाहिए प्रति माह। अगर इतनी आय हमारे पास नहीं है या उपभोग करने के लिए हमारे पास खर्च के लिए पैसा नहीं है, हम गरीब कहलाएंगे तब। और वहीं दूसरी ओर जो 2012 में रिपोर्ट तैयार की, 9 में गठन हुआ था शायद, 14 में की थी, श्रीरंगराजन रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया कि 972 तो गांव में आय होनी चाहिए, नगरों में होनी चाहिए 1407 रुपये प्रति माह की आय होनी चाहिए, जिससे हम आवश्यक उपभोग की वस्तुएं खरीद सकते हैं। उपभोक्ता व्यय होना चाहिए प्लस कैलोरी ऊर्जा मापन भी दिया है कि हमें इतने ऊर्जा डेली डे टू डे भोजन चाहिए, ठीक है ना। तो अगर यह ना कि गरीबी की रेखा किसने निर्धारित की है, एक तो सुरेश तेंदुलकर समिति, सेकेंड नंबर आ जाएगा रंगराजन समिति। और ये किससे संबंधित है? ये उसमें निरपेक्ष और सापेक्ष को दर्शाने के लिए गिनी गुणांक और लोरेंज वक्र। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।